अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। आज हम एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जिसका टाइटल है वन मैन आर्मी, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको जो है ना इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो असल में बात यह है ना कि मैं जब उर्दू की कोई वीडियो बनाता हूँ ना तो मुझसे जो है ना बातें जो है ना गलत होती है, और जब मैं पश्तो की बनाता हूँ ना पश्तो में यह है ना कि बस मैं तो बोलता रहता हूँ हर जगह, और जो है ना फिर वो बातें मेरे मुंह में आती है। उर्दू की कोई चीज़ मैं बनाऊँ ना उर्दू में, उर्दू लैंग्वेज में, तो पता नहीं कभी इंग्लिश आ जाता है मुंह में, कभी उर्दू आ जाता है। एक तो हम पठानों का ये मसला है ना कि जो है ना हमारा जो एक्सेंट है ना वो प्योर पठानों जैसा है, तो पता चल जाता है कि ये पठान है। अगर मैं कुछ अभी बोल भी रहा हूँ ना तो पता चल जाता है कि ये है प्योर पठान। ये देखते हैं वन मैन आर्मी, तो इन्जॉय करते हैं। अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि कैसे लगी आप सबको ये वीडियो। कस्बा कुर्सी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताजा हवा का एक ताजा हवा। 75 गर्मी है बहुत सख्त, और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली बस बारिश आज हम पे बरस जाए। पहली बारिश इमरान खान तलवार कमीज से बन गए सही जश्न। जब तक आपका कप्तान खौफ ज़दा नहीं तो आपको किसी से डर है भाई? ना तलवार की धार से ना गोलियों की धार से। ये चीज बंदा डरता है नहीं परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man featuring Imran Khan. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी ये सही है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो। सही क्राउड आते हैं, सही क्राउड आते हैं। हम फैसला करेंगे, हम करेंगे कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। गुलाम कौम का कोई मुश्किल, ये बात सही है। और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, तोड़नी पड़ती है, जल्दी जल्दी तोड़नी पड़ती है, जल्दी तोड़नी पड़ती है। लॉरा रूबी ने कहा जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। दहशत गर्दी के दांतों के चक्कर लगवा लगवा कर अभी 200 हो गया मेरे ख्याल में। मुस्कुराता हुआ इंसान नारक का बच्चा है, खुदा ये बहादुर नारक का बच्चा पैदा किया गैरतमंद है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी छुप जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के ये सिद्धु है मेरे ख्याल में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास कुछ इमरान खान जैसे होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मवाक़े, ये दिन मुझे याद है इस्लामाबाद वाला, क्योंकि मैं उस समय इस्लामाबाद में था जिसका एक एक पत्ता उससे चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो उस बहार आएगी, बहार फिर भी आएगी। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये सही है, इतिहास बदलता है। उसके हौसले को तोड़ना चाहते, मिटाना चाहते, वो आदमी नहीं टूट रहा। इमरान खान ट्रेंड में शामिल हुआ था, उम्मीद नहीं टूटने दे रही है, आजादी की उम्मीद। अरे उसे हटाने के लिए इस मुल्क में जज बिका, जर्नल बिका, सियासतदान बिका, मुल्ला बिका, सहाफी मुल्ला बिका, दलाल, और न जाने कौन पछताएगा। नजर आज ये पछताएगा कम से कम। हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। He will succeed. He is bound to succeed. ये आपको हजार में से हजार दफा गलत की। जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता। पलटेगा, बनता पलटेगा शहर की।
मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं। खेल भाई खेल, ये सही पोएट्री है। बेशक बेशक, डर किस चीज का है भाई? ऐसा लीडर सच में इमरान खान सर पे रहे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया। जो जिंदगी है ना वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। ये बात है, मेहनत करनी पड़ती है। ऊंच नीच जिंदगी का नाम है, ऊंच नीच आती है। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की है, सच में बहुत दुआएं की है। हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी नहीं बड़ी फसीलें बांध के नहीं रख सकता। मुफामत ना सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी पनाह से मुझे। जान माल इज्जत आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे। फिर यार अफरीदी दिखा दिए डाकुओं का गुलदस्ता, शहबाज चोरों का टोला, मौलाना जरदारी, नवाज शरीफ लाने लाइन के लिए प्यार। ये बंदा भी अभी तक जो है ना जेल में मेरे ख्याल में। और होती नहीं जो कौम हक बात पे जा उस कौम का हाकिम भी फकत उसकी सजा। भूरी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरागोगी, तोशाखाना, रिहाम खान, शायद अफरीदी ने भी कुछ बोला है। जवाद अहमद, मलक रियाज, आरयूडी, जेडयूडी, मुझे निकालने की बात कर रही है वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर। सिकंदर भाई मैं नहीं इमरान खान। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें, अच्छा तो आप मुझे बताएं और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं। गद्दार है, हम बागी हैं। बागी है, कभी हार भी जाए तो आप मुझ पे बताएं और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं। गद्दार है, बागी है, बागी है। हम हंसे तो ये बंदा भी जो है ना गायब है, बहुत दिनों से गायब है, पता नहीं है कहाँ है भी या नहीं। हाँ, चुप रहे तो गद्दार है, बात करें तो गद्दार है, ना करें तो गद्दार है, हम सवाल करें तो गद्दार है, जवाब मांगे तो गद्दार है, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के। ना मंजूर। बड़ा मजा आता है। तो ये थी हमारी वीडियो और ये बनाई है सुलेमान खान ने, तो जाके इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो भी करें। बहुत ही बहुत 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 ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है और जो बातें इसमें हुई है ये मेरे ख्याल में जो अभी रिसेंटली जो चल रहा है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में सारा सब कुछ जो है ना वही बिल्कुल सही सही बयान किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की हालात भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, एक ना एक दिन अच्छे हो जाए, सब दुआ करें। और जो है ना आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो का भी मुझे बताइए कि किस वीडियो पे मैं जो है ना रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँ।